Hello everyone, welcome to Concept 24R. I'm back with a new video lecture on electricity. This is lecture number 2. Lecture number 1 already हम लोगों ने कर लिया है और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है definition of electricity and its types, concept of charge and its property, quantization of charge. इसको हमने lecture number 1 में बहुत ही बढ़िया से किया था. वो video मैंने आपको description box में दे दिया है. अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसे देख लीजिए. ठीक है, lecture number 2 में हम लोग करेंगे electric field के बारे में. electric field को study करेंगे कि electric field क्या है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली ये तीनों टर्म आपको आगे जाकर के इलेक्ट्रिक करंट को समझने में बहुत ही मदद करेगा. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज अ रीजन और स्पेस. इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड चार्ज और चार्ज बॉडी वेयर इट कैन एग्जर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन अनदर चार्ज केप्ट इन इट. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है, स्पेस है, चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी स्पेस है, रीजन. उस फील्ड को हम देख नहीं सकते हैं, उस फील्ड को हम केवल फील कर सकते हैं. इस स्पेस में क्या हो रहा है? इस स्पेस में अगर कोई भी दूसरा चार्ज अगर हम ले आएँ, मान लो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं या नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, तो ये जो चार्ज है इस फील्ड के अंदर में उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन देगा. पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक उसी तरह से ये नेगेटिव है तो अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और नेगेटिव अगर है चार्ज तो ये उसको रिपेल कर देगा. ठीक है, तो ये रीजन है, एक तरह का स्पेस है. अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्लस और माइनस चार्ज का जो रीजन है, एरिया है, जो स्पेस है, दोनों का साइज सेम है. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम 2 कूलम चार्ज अज्यूम कर रहे हैं, प्लस 2 कूलम और इसको माइनस 2 कूलम, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका जो स्पेस होगा, उसका साइज एकदम सेम होगा. बट क्योंकि दोनों का नेचर ऑपोजिट होता है, दोनों का जो नेचर है प्लस और माइनस का ऑपोजिट होता है, इसको समझने के लिए हम ग्राफिकली कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होता है. ऐसे पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं. इट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहे हैं. इसमें पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव चार्ज, इन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं. एंड नेगेटिव में अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो नेगेटिव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की तरफ, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन नेगेटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको नोट कर लोगे. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड. तो ये क्या था? ये था इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है और एक दूसरे पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को वो एग्जर्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर दो चार्ज का, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दिखाया है कि प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना हुआ है. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही बनता है. इट्स एन इमेजिनरी लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ विच टू चार्ज इंटरैक्ट ईच अदर. कोई भी दो चार्ज अगर आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण ही इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. अगर कोई पूछे कि कहाँ तक जा रहा है ये, तो ये इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी. और ये कहाँ से आ रहा है? तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है, ऐसा माना गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इन्फिनिटी से आ रहा है. ठीक है ना, अब दोनों चार्ज इंटरैक्ट कैसे करते हैं? हाउ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इच अदर. इसको हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से. ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे दो चार्ज आपस में इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रैक्शन हम देखेंगे कि जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिटिवली चार्ज अगर आपस में आ रहे हैं सामने, तो इनका मैग्नेटिक, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपस में क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है. मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. हमको जैसे पता है कि प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर निकलता है, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है, इट कम्स रेडियली आउटवर्ड्स. और नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इनवर्ड की तरफ होता है.
तो प्लस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भेज रहा है और नेगेटिव उसको अंदर ले रहा है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल रहे हैं प्लस से, और वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, नेगेटिव में। तो इस तरह से प्लस का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में अट्रैक्शन हो जाएगा दोनों में, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो बढ़ गया है, तो इस रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ जा रहा है यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस जगह पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, यू विल गेट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और ये जगह स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज अगर आप रखोगे तो वहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होगा दैट विल बी मच 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 स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू हियर एंड हियर, क्योंकि ये जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो कम है, ठीक है। उसी तरह से इंट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड प्लस देखते हैं, तो प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकलता है, यहाँ भी प्लस का बाहर निकलता है, तो ये जब इसको हम लोग आपस में नज़दीक लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेगा, मतलब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को से दूर भागना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वॉइड, एक तरह का गैप क्रिएट हो गया है, यानी कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज को रख देते हैं चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर इनके कारण जो फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है। वैसे भी आप अगर यहाँ देखो प्लस अगर यहाँ रख देते हो तो ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा और ये भी प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही होगा। माइनस भी रखोगे तो वही होगा, देखो नेगेटिव रखोगे यहाँ पर बीच में तो प्लस के कारण ये इधर अट्रैक्ट होगा और ये प्लस के कारण इधर अट्रैक्ट होगा, तो वैसे भी इफेक्ट तो जीरो ही मिल रहा है। सेम इंट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड नेगेटिव में देखेंगे तो देखेंगे दोनों का जो डायग्राम है बिल्कुल सेम रहेगा, बस पॉजिटिव में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बाहर की तरफ दिखा रहे हैं और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर आते हुए दिखाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर इस एरिया में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एकदम जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत ही कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस जगह पे ज़्यादा है, ये सारे जगह पे, तो ये सब जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये था इंट्रैक्शन बिटवीन प्लस माइनस चार्ज, देखें यहाँ पर इस तरह से डायग्राम, इट में आस्क इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको इस तरह से बना दोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, क्लास 9 में आप लोगों ने ग्रेविटी पढ़ा था, तो ग्रेविटी का थोड़ा सा इस्तेमाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम लोग पढ़े थे कि जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, तो इस पे ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी जो कि नीचे लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ ला करके ले जा करके यहाँ रख दें, तो इसको यहाँ ले जाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी हियर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर वर्क स्टोर हो जाएगा। और कितना वर्क करते हैं हम लोग, इसका अगर मास m है, इस पर फोर्स नीचे लग रहा है mg, तो mg into h, यानी कि mg h, यानी कि इस पर कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, mg h के बराबर। तो अब ये जो पत्थर है इसको अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद लुढ़कते हुए नीचे आ सकता है, मीन्स उसके पास किसी भी चीज़ को अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करा रहे हैं अप टू सर्टेन हाइट, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराते हैं तो उसमें भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है और वो वर्क करने का टेंडेंसी रखता है, मीन्स मूवमेंट करने का टेंडेंसी रखता है नेचुरली, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड है बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है, अननोन पॉइंट, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लस वन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीज़न है वहाँ पर इस चार्ज को हम लाना चाह रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है जो कि ये प्लस चार्ज को इधर ढकेल रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हम अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर हम ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर आने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम इस प्लस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा करके यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे रख देते हैं, इस फील्ड में रख देते हैं, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज स्टोर्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे अगर हम चार्ज को ला करके रख देते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और प्लस चार्ज को ला करके यहाँ रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बेसिकली एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग, अब आई होप दिस, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब अगर यहाँ पर अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रख रहे हैं तो इस क्यू अमाउंट चार्ज को यहाँ तक लाने में
कितना वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, मतलब प्लस वन चार्ज को यहाँ लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सपोज इफ यहाँ पर अगर 10 कूलम चार्ज है और इस 10 कूलम चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं और हमें 100 जूल वर्क करना पड़ जा रहा है, 100 जूल वर्क करना पड़ जा रहा है, तो पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट का? 100 जूल बाई 10, यानी कि 10 जूल पर कूलम, यानी कि 10 वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है SI यूनिट वो क्या है? दैट इज वोल्ट, जो कि जूल पर कूलम को रिप्लेस करके मिलता है। जूल पर कूलम की जगह हम क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। सो नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल? 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करते हैं। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? जब हमको वर्क 1 जूल करना पड़े और चार्ज 1 कूलम रहे, देन दिस विल बी इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी कि 1 वोल्ट। तो इसको हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज 1 वोल्ट? इट इज दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज। सो व्हाट इज 1 वोल्ट? इट कैन बी डिफाइंड एज when one joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field, in an electric field. ठीक है, दिस इज 1 वोल्ट पोटेंशियल। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये चार्ज है तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट है बी। अब ऑब्वियस सा बात है कि हम अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहां ला रहे हैं तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ज्यादा वर्क डन हमें यहां करना पड़ेगा। ठीक है, द वर्क डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए एंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, वर्क डन जो है वो पॉइंट बी में लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो ए से ज्यादा है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहां पर 1 कूलम चार्ज है और यहां से हम यहां ला रहे हैं, तो जो वर्क डन को करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी करके भी लिखते हैं। डेल्टा वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज। सिंपल अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, बट यहां पर जो वर्क डन है वो कहां से कहां का है? पॉइंट ए टू पॉइंट बी का है, और ये दोनों पॉइंट कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक बात हमें और जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी एक पॉइंट का होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट का होता है, इसीलिए यहां पर लिखे 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का निकलता है वर्क डन इन्फिनिटी से, और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। इसका भी सेम यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो भी सेम है जो पोटेंशियल का था, दैट इज जूल पर कूलम, यानी कि वोल्ट। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 कूलम चार्ज को किसी 2 पॉइंट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ हमें मानना है कि ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है। ठीक है, दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, और वर्क डन निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला हम जान रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
12 into charge kitna hai 2, yani ki 12 into 2 24 joule. So this is the amount of work done. Agla question hai. So ye question hai, the electric potential between two points are respectively 10 volt and 5 volt. Find the amount of charge for which work done is 10 joule. Theek hai, to yahan par do point ka potential de diya hai, jaise ye ek point A hai aur ye ek point B hai. To point A ka potential hai 10 volt aur point B ka potential hai 5 volt. और यहां से A से B जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको A से B ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो है कितना, दैट इज 10 जूल. 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है. ठीक है, तो 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो यहां पर हमको चार्ज निकालना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B कितना हो गया 10 माइनस 5 यानी कि 5 वोल्ट. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 है. वर्क डन निकालना है, चार्ज है सॉरी वर्क डन 10 जूल दिया हुआ है 10 और चार्ज कितना है, चार्ज निकालना है. तो चार्ज कितना हो जाएगा, ये 2 कूलम, यानी कि आंसर इज 2 कूलम. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो लेक्चर. मिलते हैं अगले वीडियो में. ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून.